इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान, स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 सोशाद्री रोड आनंदराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कडबी दामाद रवि कडबी, पौत्र माहिन रवि कडबी, पौत्री मनस्वी रवि कडबी बेंगलुरु। अनुराधा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती अनुराधा मेहता, डॉक्टर स्वप्निल स्मिता मेहता, जीजा जी, श्री शैलेश रेशमा, रश्मि स्मिता अनुराधा, सिद्धोहम निधि नील योगेश, शुद्धोहम स्वप्निल गुलबर्गा कलबुर्गी कर्नाटक। विश्व में कभी नहीं दोहराया जा सकता। ओ ज्ञान सागर गुरु ते उपकारी, कुंद कुंद से दिए अवतारी, मुनि पद दे दिया, आचार्य पद दे दिया, और क्या मांग रहे हैं अपने ही शिष्य से। हे गुरुवर, हे गुरु विद्यासागर, मुझे समाधि मरण दो। मुनि पद दे दिया, आचार्य पद दे दिया, मांगने लगे गुरु से समाधि मरण। हेलो, मेरे गुरुदेव आए, 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 मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु चंदन के गांव में, जैसे महावीर प्रभु चंदन के गांव में। मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, जलो चौबीसो भगवान की, जलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की, परम पूज्य मुनिश्री निरामय सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते आज के दिन तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय का व्याख्या करे। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम कायेश्वर सद्भक्ति कायेश्वरगम करूं। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों का प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंका, मुनि वेरूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नोद्वैतम्। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम प्रचायकगुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारक मदम शास्त्रम श्री तत्वार सूत्र नाम दियम। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, सर्व गणधर देवा पति गणधर देवा, तेषाम वचोनुसार महासाद आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्वेचितम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम,
प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादश्चैव कोटो लक्षान शीतस्तरिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतच्युतं पंचपदं नमामि अरहंत भासी यत्तम गणहल देवेम गंतियम सम्मम परमाणि भक्ति जुत्तो सुदनान मवो वयम शिरसा इच्छामि वंदे सुद भक्ति काउशौ तस्लेचिम अंगो वंग पाहिण पाहुण पढ़ियम सुत परमाणि उपभ गय चूलिया चेव सुतत्तय द्विदम काय स निच काल अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ भोई लाओ सुगई गमनम समाई गणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम पौर्वाणिक आचार्य स्वाध्याय वेलायाम आचार्य भक्ति का आयुष्यम करू शुज्जलिपारिगेभ्य सुपर मद्भावना पतुमदेभ्य सुचरे तपोन देभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुणभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंच विहा चार कर्ण संदर्शे शिष्यानुगय कुशले धम्माय रीशदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण्य तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नति अट्ट कम्मम जम्मम मरणम न पावेंति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट कर्मा वृतास्तपोदंदना साधु क्रिया साध्वा शील प्लावण गुण प्रणाश्चंदार्क तेजोदिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु माम साध्वा गुरुवः पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि वंते आयरि भक्ति काउशौ तस्लोचम सम्यनान समदर्शम समचयजोत्ताणम पंचव्याचारणम आयरियाणम आयरादिसन्नानुपदेशाणम वज्जायाणम तीरेंगोल्पारणयाण सभ्य सावणिश्चकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोई लाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये अहिंसा परमो धर्म की आचार्य प्रवर्षि उमा स्वामी जी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज्य की परम पूज निर्वावक्षमण श्री प्रसाद सागर जी चंद्रप्रसाद सागर जी महाराज की दस लक्षण महापर्व की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आज पर्व राज पर्युषण का अंतिम दिन है। आज मुक्ति का भी दिन है। दस अध्याय का जो यहाँ वाचन चल रहा है उसमें जो जीव तत्व की व्याख्या चल रही थी, जो सात तत्वों में जीव तत्व की यात्रा जब शुरू हुई तो अनेक पड़ावों से गुजरते हुए कभी ऊर्ध्वलोक कभी अधोलोक कभी मध्यलोक से में परिभ्रमण करते हुए जीव ने जब अजीव तत्व से संपर्क किया तो उसके आश्रव का द्वार खुल गया। जब आश्रव का द्वार खुला तो बंध की प्रक्रिया भी शुरू हुई और बंध होते ही संसार परिभ्रमण का काल चलता रहा, अनंत काल से चल रहा है। जब उसको कुछ उपादान उपादान की योग्यता हुई और निमित्त का कारण मिला तब उसमें संबर तत् और निर्जरा की प्रक्रिया शुरू होती है। संबर निर्जरा का कथन कल के अध्याय में किया गया था। आज अंतिम दौर में उसको मोक्ष तत्व की व्याख्या की गई है और जीव तत्व को मोक्ष आज होना है। आचार्य उमा स्वामी महाराज पहले सूत्र में केवल ज्ञान कैसे होता है, किन प्रकृतियों का क्षय होता है, इसके लिए सूत्र कह रहे हैं। मोहत क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाज केवलम, मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस सूत्र में
भाव मोक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि द्रव्य जो कर्म थे, द्रव्य कर्म, उनका क्षय किया है। कोई प्रश्न करता है कि सीधा लिख देते इन्हें विभक्ति अलग, मोह क्षयाज और ज्ञान दर्शना वर्ण अंतर अलग अलग करके लिखा है, सो सूत्र लघु हो सकता था, पर आचार्य का आचार्य जी का कहना है कि मोह क्षयाज मतलब पहले मोह का क्षय करता है दसवें गुण स्थान में, उसके बाद बारहवें गुण स्थान में तीनों कर्मों का ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उसमें भी बारहवें गुण स्थान के पहले समय में, उपांत समय में निद्रा और पिचला का, और अंत समय में ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार और अंतराय की पांच, इन प्रकृतियों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अब ये तो केवल ज्ञान हो गया, अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए सूत्र लिख रहे हैं, बंध हेत भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध के हेतुओं, जो उस दिन आठवें अध्याय में बंध के हेतु बताए थे और कल के अध्याय में निर्जरा के साधन बताए थे, उन दोनों का अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा से कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो सर्व कर्मों का अत्यंतिक क्षय होना ही मोक्ष है। मोक्ष से यहाँ नो कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म ले लिए गए। अब यहाँ पर और क्या क्या इसमें होता है, भाव वगैरह ये तो बंध के हेतु बता दिए, और जो भाव होते हैं उनकी क्या स्थिति तो बता रहे हैं सूत्र में, औपसमिक आदि भव्यत्वा नाम च। औपसमिक आदि जो भाव और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। मोक्ष प्राप्ति में जैसे पौद्गलिक कर्मों का अत्यंत अभाव आवश्यक है, वैसे ही कुछ अन्य भावों का भी अभाव आवश्यक है। औपसमिक आदि भाव और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। हमने दूसरे अध्याय में पांच भावों के बारे में पढ़ा था, औपसमिक, छायिक, छायुसमिक, औदयिक और पारिणामिक। इनमें से औपसमिक, छायुसमिक और औदयिक भाव कर्मों के सद्भाव में होते हैं, जबकि कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष होने से पहले इन भावों का अभाव होगा ही। ये औपसमिक, छायिक, छायुसमिक, औदयिक, ये चार भाव कर्मों के उपसम, क्षय, क्षय, क्षयोपसम और उदय की अपेक्षा से बताए गए थे। पारिणामिक भाव जीव के निज भाव है, इनके होने में कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए पारिणामिक भाव मोक्ष में बाधक नहीं है। भव्यत्व व अभव्यत्व जीव के स्वभाव न होकर अपेक्षिक भाव हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान भव्य के अभव्य कोई पूछता है तो यह तो ऐसी बात है कि हमने कोई काम किया नहीं, जब वह पूरा हो गया तो फिर उसके कारणों की क्या आवश्यकता, जब मोक्ष ही हो गया, कर्म नष्ट हो गए हैं, फिर भव्य अभव्यत्व दोनों से पारी हो गए, उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए इन दोनों भावों की आवश्यकता ही नहीं है। अगले सूत्र में कह रहे हैं आचार्य महाराज, अन्यत केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। मोक्ष में केवल सम्यक्, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व का अभाव नहीं होता, ये चार गुण सिद्ध अवस्था में रहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा जीव कहाँ कैसे जाता है इसके लिए बता रहे हैं, तदनंतर मूलम गच्छत्यात् लोकांतात्। सब कर्मों का वियोग होने के बाद ही मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। जैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीव एक समय में जाकर सिद्ध सला पर विराजमान हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति सिद्ध सला में जाकर नहीं होती, किंतु यहीं पर सब कर्मों का क्षय होता है। जैसे ही आत्मा कर्म रहित होती है, वहीं पर मुक्त हो जाती है, और मुक्त होते ही अगले क्षण ऊर्ध्वगमन कर सिद्ध सला में जाकर विराजमान हो जाती है। चूंकि आगे सूत्र भी आएगा, धर्मास्ति काय का अभाव है, इसलिए मुक्त आत्मा वहीं पर विराजमान हो जाती है, उसके आगे अभाव होने पर द्रव्य का आगे गमन नहीं होता। अब शंका है कि ऊपर ही क्यों जाती, आजू बाजू या तिरछे उसका जाना क्यों नहीं होता, इसके लिए सूत्र कह रहे हैं, दो सूत्र इसमें साथ में पढ़ रहा है, कि एक दृष्टांत का है
और एक कारण का पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंध छेदात तथागति परिणामाश्च। दूसरा है आविद्य कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपालाऊ वदे रंड बीज वदग्नि शिखावच। पहले सूत्र का पूर्व प्रयोग से संघ का अभाव होने से, मतलब परिग्रह का अभाव होने से, और जो बंधन की प्रक्रिया थी उसका भी अभाव होने से, टूटने से जैसा उद्गमन होता है, और स्वभाव से, स्वभाव होने से, उद्गमन स्वभाव होने से वह जीव ऊपर जाता है। अब जो उदाहरण ने दिए हैं, जो पूर्व प्रयोग से मतलब घुमाए हुए कुमार के चक्र के समान, जब कुमार द्वारा डंडे से चाक घुमाने पर और डंडा पर हटा लिया जाता है, उसके बाद जो पूर्व का वेग रहता है उसके कारण वह चाक घूमता रहता है, वैसे ही कर्मों के छूट जाने के बाद भी पूर्व के जो संस्कार रहते हैं उस कर्मों से प्राप्त आवेश के कारण वह स्वभाव के अनुसार ऊर्ध्वगति करता है। दूसरा ये बता रहे हैं कि संघ का अभाव यानी परिग्रह का अभाव होने से, इसमें अन्य उदाहरण दिया है तुम्बड़ी का, जैसे तुम्बड़ी पर मिट्टी आदि का लेप लगा दिया जाता है और पानी में छोड़ दिया जाए उसे, तब वह पानी में डूब जाती है, किंतु जैसे ही वह लेप आदि उसका घुलता जाता है और तुम्बड़ी वैसे में स्वभाव के अनुसार ऊपर तैरने लगती है, वैसे ही हम कर्म के भार से आत्मा संसार भ्रमण करता है, जैसे ही कर्म का भार छूट जाता है और वह अटका होकर ऊपर की ओर गमन कर जाता है। तीसरा दिया है बंध के टूटने से, अर्थात जैसे फली रहती बीज, आपने मटर का बीज फली देखी होगी, फली में एरंड का बीज है, एरंड का बीज है, उसकी फली टूटते ही बीज ऊपर की ओर जाता है, ऐसे ही बंधन की छोड़ते ही कर्मों का बंधन अपना नष्ट हुआ और वह जीव भी ऊपर की ओर गमन करने की ओर होता है। और चौथा है स्वभाव से, जीव का स्वभाव ऊपर की ओर गमन करने का ये ऊर्ध्वगति का है, जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही जाती है, वैसे ही जीव अपने स्वभाव के कारण ऊपर की ओर गमन करता है। अब जो ऊपर लोकांत के ऊपर ना जाने का क्या कारण, तो बता रहे हैं सूत्र धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से ऊपर नहीं जाते। अब किसी ने संख्या की, जब मुक्त जीव उद्गमन करता है तो फिर ऊपर ही ऊपर चले जाना चाहिए, किंतु लोक के अग्रभाग में क्यों रोक दिया, इसके समाधान में आचार्य कहते हैं कि वहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है, जीव में तो और भी ऊपर जाने की सामर्थ्य है, शक्ति है, पर वहाँ गमन का सहकारी निमित्त धर्म द्रव्य नहीं है। उपादान में योग्यता होने पर भी योग निमित्त ना हो तो उपादान की योग्यता प्रकट नहीं होती। अब धर्मास्तिका है वही जीव और पुद्गल की गति होती है, इसके आगे जहाँ लोकाकांत है यही क्षय द्रव्य का वास होता है, इसलिए धर्मास्तिका है वहीं तक है, इसलिए जीव की गति ऊपर नहीं होती। अब अगला सूत्र कह रहे हैं कि यह जीव की स्थिति कैसी होती है, आगे क्षेत्र काल आदि जो अनुयोग द्वार हैं उसमें इसकी क्या स्थिति होती है। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगायनांतर संख्याल पर बहुत्वत्त साध्या। क्षेत्र ये 12 अनुयोग द्वार बताए हैं, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित प्रत्येक बोधित और बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत। इन 12 अनुयोग द्वारा सिद्ध जीव का विभाग कैसे करते हैं बता रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा, वर्तमान की अपेक्षा से सभी सिद्ध क्षेत्र में हैं, आत्म प्रदेशों में, किंतु उनके भूत या अतीत की अपेक्षा से देखें तो वे कहाँ से सिद्ध हुए, मनुष्य लोक में 15 कर्म भूमियों से ये सिद्ध हुए हैं, ये क्षेत्र हो गया। काल की अपेक्षा से जिस समय कर्मों से मुक्त होते हैं वही उनके मुक्त होने का काल है, पर अतीत की अपेक्षा से कथन करते हैं तो अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल का भेद होता है, जहाँ काल का परिवर्तन होता है वहीं से सिद्ध होते हैं, जहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता वहाँ सिद्ध नहीं होते। भोग भूमि से कोई सिद्ध नहीं होता, विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि मानी जाती है वहाँ से भी सिद्ध होते हैं। अब गति,
वर्तमान दृष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं, किंतु अतीत की या अतीत की दृष्टि से देखें तो मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। लिंग, लिंग से दो अर्थ, लिंग से दो अर्थ लिए जाते हैं, वेद और लिंग। यहाँ वेद की दृष्टि से विचार किया जा रहा है तो वर्तमान की दृष्टि से सिद्ध अपगत वेद ही, मतलब उनका कोई वेद नहीं होता, ना स्त्री वेद, ना पुरुष वेद, ना नपुंसक वेद, वे वेद से अपगत है। अतीत की दृष्टि से द्रव्य वेद की अपेक्षा से पुल्लिंग से ही सिद्ध होते हैं, भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेदों से सिद्ध हो सकते हैं। अब तीर्थ, सिद्ध क्षेत्र तीर्थंकर पद प्राप्त भी होते हैं और इस पद को प्राप्त न किए जाते भी हुए हो, इस पद को प्राप्त न हो, मतलब कोई तीर्थंकर पद का प्राप्त नहीं करता, वो भी सिद्ध होते हैं। चारित्र, सिद्धों की वर्तमान की अपेक्षा देखें तो उनके चारित्र कौन सा होता है, वर्तमान में तो वे चारित्र से पार हो चुके, अतीत की दृष्टि से देखें तो वे सभी यथा क्या चारित्र से सिद्ध होते हैं। अब प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, सिद्ध दो प्रकार के, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, जो किसी के उपदेश के बिना स्वयं अपनी ज्ञान शक्ति से ही बोध पाकर सिद्ध होते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध वाले कहलाते हैं। अब यहाँ पर दो इनने भेद किए हैं आचार्यों ने, प्रत्येक बुद्ध के और एक स्वयं बुद्ध, जो सफेद बाल यानि बादल आदि का फटना इनको देखकर जो दीक्षा वगैरह ले लेते हैं वो प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं, और जो अपने चिंतन से दीक्षित हो वो स्वयं बुद्ध कहलाते, ऐसा आचार्य श्री का चिंतन है। और जो बोधित बुद्ध है, जो पर उपदेश से ही दीक्षित होकर सिद्ध हो जाते हैं, वो बुद्ध बोधित कहलाते हैं। अब ज्ञान, वर्तमान दृष्टि से केवल ज्ञानी सिद्ध हैं, अतीत की दृष्टि से तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान वाले जीव सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। अवगाहना, अवगाहना का अर्थ आत्म प्रदेशों में व्याप्त विशेष आकार में स्थित रहना। वर्तमान में सभी सिद्ध चरम शरीर से कुछ न्यून आकार से सिद्ध होते हैं, अवगाहना सिद्ध होते हैं, और अतीत की दृष्टि से जघन्य 3.5 हाथ, मध्यम अनेक प्रकार की, और उत्कृष्ट से 525 धनुष प्रमाण जो अवगाहना होती है उसी से मुक्त होते हैं। आचार्य श्री का चिंतन है कि आसन शरीर का होता है और आकार आत्म प्रदेशों का होता है वहाँ पर। अंतर, अंतर की अपेक्षा निरंतर व शांतर दो भेद हैं, एक जीव के सिद्ध होने के बाद दूसरे समय में कोई सिद्ध होता है तो उसे निरंतर सिद्ध कहते हैं। एक को सिद्धत्व हुआ और अगले ही क्षण दूसरे को प्राप्त हुआ या निरंतर सिद्ध है, दो सिद्धों के बीच समय का यदि अंतराल है तो उसे शांतर सिद्ध कहते हैं। एक समय में एक जीव सिद्ध होते हैं और 108 भी सिद्ध हो सकते हैं। संख्या, संख्या की अपेक्षा एक समय में कम से कम जी संख्या में एक समय में कम से कम एक सिद्ध भी सिद्धत्व को प्राप्त करता है और अधिक से अधिक 108 जीव भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और अल्प बहुत, क्षेत्र और काल आदि की ऊपर जिन 11 बातों को लेकर विचार किया गया है उनमें से प्रत्येक के आधार से न्यूनता और अधिकता का विचार करना अल्प बहुत है। वर्तमान दृष्टि से सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध जीवों का अल्प बहुत नहीं बनता, पर अतीत की दृष्टि से क्षेत्र की अपेक्षा भेद बनता है। जन्म सिद्ध और संहरण सिद्ध, जो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है उसी क्षेत्र से मुक्त होता है वह जन्म सिद्ध कहलाता है, तथा जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर अपहरण या संधरण कर ले जाया जाने पर वहां से सिद्ध होने को संधरण सिद्ध कहा जाता है। इस प्रकार काल आदि की अपेक्षा भी तत्वार्थ सूत्र का विचार किया गया। यहाँ पर अब तत्वार्थ सूत्र के 10वां अध्याय का वाचन समाप्त हुआ। पढ़ने में या बोलने में या अर्थ निकालने में या मात्रा वगैरह में, स्वर व्यंजन में जो भी गलतियाँ हुई हों या रेप वगैरह अल्पविराम का स्थान नहीं दिया गया हो उसमें जो भी गलतियाँ हों तो हम लोगों को या सभी लोग पढ़ने में अपन सबको आचार्य महाराज क्षमा करें, और जो इसका 10 तत्वास का 10वां अध्याय का जो पाठ प्रतिदिन करता है उसको एक उपवास का फल मिलता है, ऐसा आचार्य महाराजों का कहना है। बोलिए आचार्य गुरु उमा स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की।
समापन बेला कायुश्चरगम करूं। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन यहाँ पाद प्रक्षालन के लिए निमंत्रित करते हैं श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक जी पाटनी आरके मार्वल परिवार, समस्त आरके मार्वल परिवार इनको निवेदन करते हैं वे आए और आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करें। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। ओम। इसी के साथ यहाँ आज जिन्होंने बड़े कलेश लिया है उनके परिवार के एक एक सदस्य को भी यहाँ आज अवसर दिया जा रहा है। आशीष जी जैन पूना, इनके दो सदस्य आएंगे, श्रीमान आदिश्वर जी जैन बेंगलोर निवासी, श्रीमान पंकज जी महाजन शिरपुर निवासी, श्रीमान अनिल जी झांझरी अकोले निवासी, इनके प्रत्येकी एक एक सदस्य यहाँ पाद प्रक्षालन के लिए आएंगे। जिन्होंने 108 कलश के एक एक कलश लिया है उनके प्रत्येक सदस्य बोल दिया ना, नाम बोल दिया ना, आशीष जी जैन पुणा, श्रीमान आदिश्वर जी जैन बेंगलोर, श्रीमान पंकज जी महाजन शिरपुर, श्रीमान अनिल जी झांझरी अकोला, और इसी के साथ आज एक ऐसे कार्यकर्ता को भी हम बुला रहे किरीट भाई दोषी। आज किरीट भाई दोषी भी पाद प्रक्षालन करेंगे। उन्होंने यहाँ दशलक्षण में बहुत परिश्रम लिया है, बहुत अच्छे से संयोजन में सहयोग दिया है और बहुत अच्छा कार्य किया है। आज यहाँ मंच की गरिमा पूरी बनी रखी है। सब लोग बोल रहे हैं जितना शिरपुर में अच्छा लाभ मिल रहा है अभी तक इतना लाभ कहीं नहीं मिला। जहाँ देखे वहाँ केवल गुरुदेव दिखते हैं, गुरुदेव दिखते हैं, क्योंकि आचार्य के आजू बाजू में ज्यादा लोग रहते नहीं, मंच पर भी ज्यादा लोगों को बुलाते नहीं। ऐसी सभी व्यवस्थाओं में किरीट भाई दोषी जी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी के साथ दान दाताओं से संपर्क करके बहुत अच्छा दान का भी इकट्ठा करने में किरीट भाई दोषी जी ने सहयोग दिया है। इसलिए ऐसे कार्यकर्ता को भी आज हम ये सम्मान दे रहे पाद प्रक्षालन करें। चूले रे ये दो पावन चरण, चूले रे ये दो पावन चरण, चरण नहीं जीवन दान है ये। हेलो, अभी दानदाताओं के नाम आए हैं, उन सब लोगों से हम निवेदन करते हैं, आपसे सभी लोगों से हम दोपहर के प्रवचन में शास्त्रण करवाएंगे। अभी समय का अभाव है इसलिए केवल आचार्य को अर्घ देकर आचार्य को हम निवेदन करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम दोपहर में आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना मात, जिनके जीवन की घर चर्य बन पड़ी स्वयमयी नवदार, जय नागम का वसुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। स्थापना करी ओम रूम परम पूज्य श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र, स्थापना करो ब्रह्मचारी भैया लोग करेंगे। ओम रूम परम पूज्य श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र, अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम, अत्र सन्नितोट स्थापनम सनदीकरणम। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु नाशनाय, जलम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणिंद्राय, अक्षय पद प्राप्तये, अक्षतम निरोपामिति स्वाहा।
ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मामनिंद्राय काम मानि विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वा ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वा ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मामनिंद्राय मोहंदकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वा ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मामनिंद्राय अष्टक्रम धनाय धूपम निरोपामिति स्वा ओम रूम से 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मामनिंद्राय मा मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरोपामिति स्वा ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निरोपामिति स्वा भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन कर आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ्य बेटने लाया हूँ हे तपो मूर्ति ये आराधक ये योगेश्वर हे मासल हे अरुण कामना देख सकी युग युग तक आगामी वसन ओम रूम परम पूज्य संत शुभ आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति स्वाहा नमस्तु भगवान नमस्तु 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 ओम नमः शिवाय अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की तत्वासुर का पाठ आपके सामने प्रतिदिन चला। आज उसका उपसंहार हुआ और आज आप लोगों के चतुर्दशी भी है। पूजन इत्यादि में आप लोग व्यस्त रहे, हमारा बड़ा प्रतिक्रमण था। हमारी 14 के दिन बड़ा प्रतिक्रमण रूप पूजा चलती है किए हुए दोषों का निर्मूलन करने के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था हुई है। 10वें अध्याय में आपने संक्षेप में 10 सूत्रों के माध्यम से सुना मोक्ष का कथन था। उसमें अंतिम सूत्र में एक निरंतर और सांतर दो भेद होते हैं। सांतर का अर्थ अंतराल सहित होता है, निरंतर का अर्थ लगातार होता है। एक यदि शुद्ध होता है दूसरे समय में शुद्ध होता है, कोई अंतराल नहीं पड़ा, तो इस प्रकार 108 लगातार शुद्ध हो सकते हैं। किंतु एक बात और थी, निरंतर में यदि अंतर पड़ जाता है तो एक समय के भी पड़ता है, एक 6 महीने का अंतराल पड़ता है। 6 महीने का अंतराल का अर्थ 6 महीने तक कोई भी मुक्त नहीं होंगे। और 108 का अर्थ ये होता है 108 मुनि महाराज की, तो ये एक प्रकार से 108 मुनि महाराज एक साथ सब गुणस्थानों को परिवर्तित करते हुए मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम है अंतराल के बिना लगातार वो मुख मोक्ष के जाने का क्रम टूटता नहीं है, ये स्वाभाविक है। 6 महीने और इधर निगोद से जो निकलते हैं भव्य जीव, उनके बारे में भी कहा गया है 6 महीने 8 समय में 608 ही ऐसा है ना, 608 ही संख्या भव्य जीवों के वहाँ से निकलती है। यह हिसाब किताब जो कुछ भी है वो बना रहता है। एक वह और है जो अभावित तो कभी जाएगा ही नहीं, भव्य जितने भी वो सारे सारे जाने की योग्यता रखते हुए भी उनसे भी यह संसार कभी खाली होता नहीं, ऐसे भी अभव्य है। महत्वपूर्ण एक सूत्र था कि कौन से भाव जो आत्मा के हैं सिद्धावस्था में रहते हैं, तो औषमिक नहीं रहेगा, औदयिक नहीं रहेगा, क्षयोपशमिक भी नहीं रहेगा। ये सब कर्म संबंध रखने वाले भावों का कथन है। किंतु क्षायिक तो रहेगा,
क्षयिक भाव रहेगा, केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ, केवल दर्शनावरण का क्षय हुआ, सभी प्रकार के ज्ञानावरण का अभाव होने के उपरांत ही, दर्शनावरण का भी अभाव होने के उपरांत ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहते ही बने रहते हैं। किंतु एक और उन्होंने बताया, भव्यत्व का भी अभाव होता है। अभाव्यत्व का तो दूसरा गुणस्थान ही जब नहीं होता, उपक्रम ही नहीं होता, तो सवाल ही नहीं उठता है। एक और बात इसमें ध्वनि निकलती है, आदि शब्द से जीवत्व का भी अभाव होता है। क्या हुआ? जीवत्व का अर्थ क्या? 10 प्रकार के प्राणों के माध्यम से जो जी रहा था, वह जीव वहां पर पाया जा ही जाएगा, किंतु वह क्षायिक भाव से युक्त जो रहेगा वही रहेगा। तो जीवत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होकर के भी वह भव्य अपने पारिणाम भाव होकर के भी उसका भी अभाव होता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में इसको ऐसा कहा है, अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव होता है। भव्यत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है, तो जीवत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है। इस प्रकार आगम में कथन मिलता है। इसलिए सिद्धा न जीवा ऐसा एक सूत्र भी कर्म सिद्धांत में पाया जाता है। इससे यही ध्वनि निकलती है ऐसा। किंतु चेतना स्वरूप केवल ज्ञान और दर्शनोपयोग से युक्त रहना अनिवार्य होता है, ये उसका लक्षण कहा गया है। संक्षेप से यहाँ पर आप लोगों को इन सब बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और 10 दिन बहुत ही कई व्यक्तियों को आकुलता थोड़े संभव है ही होती है। पीड़ा चंदन ध्यान तो होता ही है जो अनंत काल से लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर प्रतिदिन ऊपर वाले भी बहुत आपके ऊपर कृपा करके प्रतिदिन यहाँ पर वृष्टि हुई। राजस्थान जैसे व्यक्ति लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए ये सबसे उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। अब मध्याह्न में जो कार्यक्रम है वो हो करके आप लोगों की गाड़ी तैयार है, पक्का है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, मुक्त होने को पर्व से, पर्व के द्वारा मुक्त होते हैं, पर्व से भी होते हैं, दोनों भंग घटित हो जाते हैं। आज बहुत ही उत्साह के साथ आप लोगों ने पूजन आदि कार्य किए हैं, अभिषेक आदि निरंतर यहाँ पर होता रहा है और चर्चाएं भी होती रही हैं। ये सब धर्म ध्यान का वातावरण यहाँ पर बना है। ये क्षेत्र बहुत अच्छे वाला क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के लोगों को या सब लोगों की भावना हुई है। और आप लोगों के सामने ब्रह्मचारी तो बार बार कहते ही हैं, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकल रहा है। जैसा पेपर लिखेंगे वैसा परिणाम तो निकलेगा ही, लेकिन अच्छा आप लोगों ने परिणाम निकाला है। यह जैसे आपने संकल्प लिए हैं उसको पूर्ण करना भी आप ही लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जी की ये सभी संभव हो पाया है, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही ये सभी कार्य संपन्न हो रहा है और आगे का कार्य भी उन्हीं के आशीर्वाद से संपन्न होने वाला है। दोपहर 2:30 बजे से यहाँ तत्वार सूत्र का पाठ और उत्तम ब्रह्मचर्य के ऊपर आचार्य जी का प्रवचन होने वाला है।
यहाँ किसी ने पैसा और अंगूठी एक रख के गया है, नाम नहीं दिया। एक व्यक्ति ने यहाँ पैसा और एक सोने की अंगूठी, सनदीकरणम ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम मणि विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुदारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टक्रम दनाय धूपम निरोपामिति स्वा। ओम रूम से 108 स्थापनम सनदीकरणम ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम मणि विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुदारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टक्रम दनाय धूपम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मा मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरोपामिति स्वा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरोपामिति स्वा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन कर आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ्य बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति ये आराधक ये योगेश्वर हे मासल हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत शुभ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति स्वा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की तत्वासुर का पाठ आपके सामने प्रतिदिन चला। आज उसका उपसंहार हुआ और आज आप लोगों के चतुर्दशी भी है। पूजन इत्यादि में आप लोग व्यस्त रहे, हमारा बड़ा प्रतिक्रमण था। हमारी अब 14 के दिन बड़ा प्रतिक्रमण रूप पूजा चलती है कि ये हुए दोषों का निर्मूलन करने के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था हुई है। 10वें अध्याय में आपने संक्षेप में 10 सूत्रों के माध्यम से सुना मोक्ष का कथन था। उसमें अंतिम सूत्र में एक निरंतर और सांतर दो भेद होते हैं। सांतर का अर्थ अंतराल सहित होता है, निरंतर का अर्थ लगातार होता है। एक यदि शुद्ध होता है दूसरे समय में शुद्ध होता है, कोई अंतराल नहीं पड़ा तो इस प्रकार 108 लगातार शुद्ध हो सकते हैं। किंतु एक बात और थी, निरंतर में यदि अंतर पड़ जाता है
एक समय के भी पड़ता है, एक 6 महीने का अंतराल पड़ता है। 6 महीने का अंतराल का अर्थ 6 महीने तक कोई भी मुक्त नहीं होंगे। और 108 का अर्थ ये होता है 108 मुनि महाराज की। तो ये एक प्रकार से 108 मुनि महाराज एक साथ सब गुणस्थानों को परिवर्तित करते हुए मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम है अंतराल के बिना लगातार वो मुख मोक्ष के जाने का क्रम टूटता नहीं है, ये स्वाभाविक है। 6 महीने और इधर निगूत से जो निकलते हैं भव्य जीव, उनके बारे में भी कहा गया है 6 महीने 8 समय में 608 ही, ऐसा है ना, 608 ही संख्या भव्य जीवों के वहाँ से निकलती है। यह हिसाब किताब जो कुछ भी है वो बना रहता है। एक वह और है जो अभावित तो कभी जाएगा ही नहीं, भव्य जितने भी हैं सारे सारे जाने की योग्यता रखते हुए भी उनसे भी यह संसार कभी खाली होता नहीं, ऐसे भी अभव्य है। महत्वपूर्ण एक सूत्र था कि कौन से भाव जो आत्मा के हैं सिद्धावस्था में रहते हैं तो औषमिक नहीं रहेगा, औदयिक नहीं रहेगा, क्षयोपशमिक भी नहीं रहेगा। ये सब कर्म संबंध रखने वाले भावों का कथन है, किंतु क्षायिक तो रहेगा, क्षायिक भाव रहेगा। केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ, केवल दर्शनावरण का क्षय हुआ, सभी प्रकार के ज्ञानावरण का अभाव होने के उपरांत ही, दर्शनावरण का भी अभाव होने के उपरांत ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहते ही बने रहते हैं। किंतु एक और उन्होंने बताया, भव्यत्व का भी अभाव होता है। अभाव्यत्व का तो दूसरा गुणस्थान ही जब नहीं होता, उपक्रम ही नहीं होता, तो सवाल ही नहीं उठता है। एक और बात इसमें ध्वनि निकलती है आदि शब्द से, जीवत्व का भी अभाव होता है। क्या हुआ जीवत्व का अर्थ क्या, 10 प्रकार के प्राणों के माध्यम से जो जी रहा था वह जीव वहाँ पर पाया जाएगा, किंतु वह क्षायिक भाव से युक्त जो रहेगा वही रहेगा। तो जीवत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होकर के भी वह भव्य अपने जी पारिणाम भाव होकर के भी उसका भी अभाव होता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में इसको ऐसा कहा है, अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव होता है। भव्यत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है, तो जीवत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है। इस प्रकार आगम में कथन मिलता है, इसलिए सिद्धा न जीवा ऐसा एक सूत्र है, इससे यही ध्वनि निकलती है ऐसा। किंतु चेतना स्वरूप केवल ज्ञान और दर्शनोपयोग से युक्त रहना अनिवार्य होता है, ये उसका लक्षण कहा गया है। संक्षेप से यहाँ पर आप लोगों को इन सब बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और 10 दिन बहुत ही कई व्यक्तियों को आकुलता थोड़े संभव है ही होती है, पेड़ा चंदन ध्यान तो होता ही है जो अनंत काल से लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर प्रतिदिन ऊपर वाले भी बहुत आपके ऊपर कृपा करके प्रतिदिन यहाँ पर वृष्टि हुई। राजस्थान जैसे व्यक्ति लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यह सबसे उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है।
अब मध्यान्ह में जो कार्यक्रम है वो हो करके आप लोगों की गाड़ी तैयार है, पक्का है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, मुक्त होने को पर्व से, पर्व के द्वारा मुक्त होते हैं, पर्व से भी होते हैं, दोनों भंग घटित हो जाते हैं। आज बहुत ही उत्साह के साथ आप लोगों ने पूजन आदि कार्य किए हैं, अभिषेक आदि निरंतर यहाँ पर होता रहा है और चर्चाएं भी होती रही हैं। ये सब धर्म ध्यान का वातावरण यहाँ पर बना है, ये क्षेत्र बहुत अच्छे वाला क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के लोगों को या सब लोगों की भावना हुई है। और आप लोगों के सामने ब्रह्मचारी तो बार बार कहते ही हैं, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकल रहा है। जैसा पेपर लिखेंगे वैसा परिणाम तो निकलेगा ही, लेकिन अच्छा आप लोगों ने परिणाम निकाला है। यह जैसे आपने संकल्प लिए हैं उसको पूर्ण करना भी आप ही लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जी की ये सभी संभव हो पाए है, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही ये सभी कार्य संपन्न हो रहा है और आगे का कार्य भी उन्हीं के आशीर्वाद से संपन्न होने वाला है। दोपहर 2:30 बजे से यहाँ तत्वार सूत्र का पाठ और उत्तम ब्रह्मचर्य के ऊपर आचार्य जी का प्रवचन होने वाला है। यहाँ किसी ने पैसा और अंगूठी एक रख के गया है, नाम नहीं दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान, स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 सोशाद्री रोड आनंदराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कडबी दामाद रवि कडबी, पौत्र माहिन रवि कडबी, पौत्री मनस्वी रवि कडबी बेंगलुरु। अनुराधा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती अनुराधा मेहता, डॉक्टर स्वप्निल स्मिता मेहता, जीजा जी, श्री शैलेश रेशमा, रश्मि स्मिता अनुराधा, सिद्धोहम निधि नील योगेश, शुद्धोहम स्वप्निल गुलबर्गा कलबुर्गी कर्नाटक।